हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचिदा ढाबा। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाएं हम सांभर, और ये मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दाल, अरहर दाल हमने लिया हुआ है, और हमने एक बड़ा प्याज काटा है यहाँ पर, 1 मीडियम साइज लौकी ली है, बैगन काटे हैं, और छौंक के लिए हमें चाहिए करी लीव्स, और मसालों में हमें चाहिए धनिया पाउडर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी पाउडर, लाल मिर्च और राई, स्वाद अनुसार नमक। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कुकर ले लिया है और ये हमने दाल धो ली है। 1 कप दाल हम डालेंगे इसमें। अब हम डालेंगे इसमें लौकी, लौकी के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम इसमें डालेंगे बैगन। अगर आपको बैगन पसंद नहीं है तो आप गाजर, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हमें इसको उबालना है, और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, और हमने पानी भी इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है। हमने ये पीसेस इसलिए बड़े रखे हैं क्योंकि उबलने के बाद भी सांभर में ये फिर हमें सब्जियां दिखे। अगर हम बहुत ही माहीन छोटा छोटा काटेंगे तो बिल्कुल सब सब्जियां दाल में मिक्स हो जाएंगी और सब्जियां दिखेंगी नहीं। तो चलिए हम इसको 4 से 5 सीटी तक उबाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है, दाल के साथ ये सब्जियां, और ऐसे पीसेस भी हमें दिख रहे हैं। जब हम सांभर बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। अब आइए हम इसको छौंकते हैं। छौंकने के लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी, जो भी चाहिए आपको ले लीजिएगा। अब उसमें मसाले में हम डालेंगे 1 चम्मच राय, 1 से 1.5 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये हो जाए पहले, उसमें आवाज़ आ जाए, फिर हम डालेंगे करी पत्ती। करी पत्ती डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, और जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है 1/4 चम्मच पिसी मेथी। ये मेथी पाउडर है। अब हम डालेंगे इसमें करी, आप जितना मिर्ची खाते हैं उसके हिसाब से मिर्ची। इसको अच्छे से हम मसाले को मिला लेंगे। अब हमारा ये मसाला तैयार हो गया है, हम इसमें इसको सांभर को ऐड कर देंगे। सांभर अगर खट्टा ना हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टैमरिंड वाटर। जी हाँ दोस्तों, इमली का पानी, जिससे इसमें खटास आएगी। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, आपको जैसा टेस्ट चाहिए वैसे। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। हमने पूरी इसमें दाल डाल दी है, धीरे धीरे करके हमने पूरी दाल इसमें मिला दी है, और ये देखिए जो इसमें सब्जी के ये पीसेस हैं ये बहुत अच्छे लगेंगे जब आप सांभर में खाएंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसमें नमक है और इसमें खटास भी अच्छी है। बस अब 2-4 मिनट पका के हमारी सांभर रेडी हो जाएगी। बस दोस्तों, हमारी ये बहुत ही टेस्टी सांभर रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार है सांभर। और इसके पहले वाली रेसिपी में मैंने इडली को भी बताया था कैसे बनाना है, तो ज़रूर बनाइए घर पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रुचिदा ढाबा।